महानगर में विद्युत चोरी को रोकने और विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को गलत तरीके से बिल जारी करने से लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन बुधवार को मोहद्दीपुर स्थित विद्युत विभाग के सभागार में किया गया। इस कार्यशाला में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और गोरखपुर क्षेत्र के एक्सियन मीटर विभाग और आईटी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से आए ट्रेनर रमेश कौल और चंदन सिंह ने बिजली चोरी को रोकने के तरीके और बिजली से संबंधित उपभोक्ताओं को हो रहे समस्याओं के निवारण के लिए संबंध में प्रशिक्षण दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बनारस के विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता शशिभूषण वर्मा ने बताया। हमारा सरकार का दूसरा अंग जो है वो बहुत ज़्यादा सारे लोग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम है, हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य किया जा रहा है। मेन समस्या ये है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत ज़्यादा है, बिजली की चोरी हो जा रही है, हम उतना पैसा रिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलिटी को सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। तो क्या क्या मेथड जो है इन्होंने टाटा पावर ने अपने यहाँ अडॉप्ट किए हैं लॉसेज को कम करने के लिए, जो है क्या क्या टेक्निक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसी के बारे में जो है जागरूक किया जा रहा है, जिससे हमारा स्टाफ जो है उसको यूज करे और हमारी जो है लॉसेस को कम करें। सर अब क्या तकनीकियां सामने आई हैं अभी तक आप लोगों ने? यहाँ पे इन्होंने कई सारे जो है अपने यहाँ अलग अलग, जैसे डिस्कनेक्शन गैंग अलग रखे हैं, या चोरी का अलग जो है क्या नाम है, अलग चोरी पकड़ने के लिए रात में चोरी हो रही हैं उनको कम करने के लिए अलग व्यवस्था की हुई है। कंज्यूमर को जो है एजुकेट करते हैं, बिल देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुछ हमारे यहाँ जो बिलिंग सिस्टम है गलत, मतलब सही बिल नहीं जा रहे हैं, कंज्यूमर उससे जो है हताश हो रहे हैं और पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, इनकी जो सिस्टम जो बेटर हैं उनको हम अडाप्ट करके इसको कम करने का प्रयास किया जाएगा, इसी के बारे में शुरू की गई हैं। टाटा में भी वो पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही वहाँ पे भी था, लगभग वही व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन इनका थोड़ा सिस्टमेटिक ज़्यादा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो हम अपने कार्यों को जो है ज़्यादा सिस्टमेटिक और बेटर तरीके से करें, जिससे कि जो है हमारे लॉसेज भी कम हो, रेवेन्यू आए और हम अच्छी सर्विस जो है उपभोक्ताओं को दे सकें। स्पेशल में यही बताया गया है कौन कौन से स्टेप हमें लेने हैं, जिससे कि हम मेन कंसंट्रेशन जो है हमारा ATC लॉसेज पे रहा है। लॉसेज की वजह से हमारा रेवेन्यू लॉस काफ़ी हो रहा है, उसको कैसे हम रोका जाए और अपने रेवेन्यू को रिकवरी को कैसे बढ़ाया जाए, इसी के बारे में मेन फोकस था।